आपको शनिवार की शुभकामनाएं, हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान में लोकतंत्र की सरेआम हत्या के प्रयासों का जो भाजपा का खुला खेल है वो पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार जग जाहिर हो रहा है, परत दर परत जग जाहिर हो रहा है। आज भाजपा ने अपनी प्रेस वार्ता में स्वीकार कर लिया कि खरीद फरोख्त तो हुई, लोकतंत्र की हत्या भी हुई, संविधान को कुचला भी गया, रौंदा भी गया। उन्हें आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि जब यह सब हो रहा था तो रिकॉर्डिंग क्यों हो रही थी, और कोई शिकायत नहीं। सिर्फ इस बात की शिकायत है कि रिकॉर्डिंग क्यों हो रही थी, क्या रिकॉर्डिंग कानूनी थी। यानी कि चोर मान रहा है कि उसने चोरी की, वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि जब वो चोरी कर रहा था तो जो कैमरे लगे थे क्या वो कानूनी रूप से लगे थे। यह तो अजीब सी बात हुई कि हत्या का आरोपी यह कहे कि जब वो हत्या कर रहा था, जिस गवाह ने उसे हत्या करते हुए देखा और पुलिस को सूचित किया, क्या वो गवाह हत्यारे की निजता को भंग तो नहीं कर रहा था। ये बात सुनने में बड़ी रोचक भी लगी। आज जब सुबह हमने सुना अपनी प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के सामने आकर मान लिया कि हां चोरी हुई, लेकिन रिकॉर्डिंग क्यों हुई। यह भी स्पष्ट हो गया है साथियों कि चोर डरा भी हुआ है और उसके डर के कारण बड़े जायज हैं। चोर को यह पता है कि इस प्रकरण में न केवल एक केंद्रीय मंत्री बल्कि उस मंत्री के ऊपर के कई कई बड़े नेता फंसने वाले हैं, और ये डर चोर से इस तरह की गलतियां करवा देता है जो आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने की। शुक्रवार रात और शनिवार सुबह भाजपा को बेनकाब करते हुए कुछ तथाकथित ऑडियो टेप हम सबके सामने आए, आप सबके सामने आए। तत्पश्चात कुछ लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ। एसओजी की टीम जो मानेसर में के उस होटल में पहुंची जहां मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस के कब्जे में कांग्रेस के कुछ विधायक बंद हैं पिछले कई दिनों से, इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जांच रोकने के लिए, एक सरकारी प्रक्रिया को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुलकर अपने सरकारी अमले का दुरुपयोग करते हुए सामने आई, मैदान में आई, और कांग्रेस के उन विधायकों का जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है का वॉइस सैंपल नहीं लेने दिया गया। उनके साथ साथ बाकी विधायक जिन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं, उनको भी होटल के चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से तड़ीपार कर दिया गया। ये शब्द मैं कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूं। आखिर क्या कारण है सचिन पायलट जी? आपको राजस्थान पुलिस पर कम भरोसा है, हरियाणा पुलिस पर ज्यादा भरोसा? आखिर क्या कारण है कि एक तरफ तो आप अदालत में यह साबित कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के हिस्सा हैं, कांग्रेस में ही हैं, और दूसरी तरफ आप भाजपा के संरक्षण में हरियाणा में बैठे? आखिर क्या कारण है कि एक तरफ तो भाजपा संबंधित नामी गिरामी वकील अदालत में संघर्ष कर रहे हैं यह साबित करने के लिए कि आप कांग्रेस में हैं, और दूसरी तरफ भाजपा के संरक्षण में वॉइस सैंपल देने से बचकर पिछले दरवाजे से विधायक निकलते चले जा रहे हैं? क्या हो रहा है? सुनने में तो अब यह आया है कि इन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी शासित कर्नाटका में ले जाने के भी प्रयास हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जिन विधायकों पर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई उन्हें भी भाजपा अपने संरक्षण में तड़ी पार करवा रही है? ये जायज प्रश्न है। हम मानते हैं चोर डरा हुआ है, हम यह भी जानते हैं चोर क्यों डरा हुआ है। चोर को मालूम है कि अभी तो जो ट्रेलर आया है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से सरेआम ये स्वीकारोक्ति हुई आज सुबह कि हां चोरी हुई, हत्या हुई, संविधान को रौंदने के प्रयास हुए, बड़ी बेशर्मी से आकर कहते हैं कि भाई कैमरा क्यों लगा था। आपके प्रश्न